हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने आयांश किचन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हरी मटर की कचौड़ी। आप इस कचौड़ी को एक बार बना लेंगे ना, तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में और बेहद आसान तरीके से बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। हरी मटर की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा। हम आटा में आधा कटोरी मैदा भी ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसे पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप पूरा मैदा में भी बना सकते हैं, ये चॉइस आपकी होगी। फ्रेंड्स, हम डालेंगे अब इसमें आधा चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी। 4 चम्मच हम घी यहाँ पे डाल रहे हैं। इससे हमारा जो मटर की कचौड़ी होगी वो सॉफ्ट बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन का अच्छे से मिक्स होना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमने मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा रोटी का होता है ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट इसे करना है, क्योंकि इसे हम बेलेंगे नहीं, हाथ से ही बनाएंगे। तो इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। एक चम्मच घी हम हाथों पे लेंगे और इसे सब तरफ से आटे में लगा देंगे। हमने आटे को गूंथ लिया है सॉफ्ट। अब हम इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी जब गरम हो जाए तो उसमें मटर डाल देंगे। मटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मटर को थोड़ा सा फ्राई करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर आप इसका स्टफिंग बना के 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक फ्रीजर में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर जब मन करे 10 मिनट पहले निकालिए और कचौड़ी बना लीजिए। मटर हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब गैस को करेंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। फिर हम इसे मिक्सर में ट्रांसफर करेंगे, मिक्सर के जार में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ती। दो से तीन टुकड़ा अदरक का। 3 हरी मिर्च। 8 से 10 लहसुन की कली। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। देखिए, हमने दरदरा पीस लिया। बिल्कुल इसी तरीके से पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। अब हम फिर से वही कढ़ाई गरम करेंगे। थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच घी डालना है। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 चम्मच। इसे थोड़ा सा चटकने देंगे फ्रेंड्स। दो से तीन चुटकी हींग।
एक चम्मच सौंफ ददरा पिसा हुआ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसे इसके बिल्कुल नहीं करना। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच काला नमक, दो चम्मच भर के बेसन, इसे इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब हम सारे मसालों को लो फ्लेम पे भूनेंगे थोड़ा सा। अब हम डालेंगे ददरा पिसा हुआ मटर, क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसे डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए भुनेंगे। हमने मटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और भूनेंगे। हमारा स्टफिंग रेडी है, अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे, इसे फैला देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, नींबू होते हैं ना, उससे थोड़ा सा छोटा। हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है तो इसका बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हाथों में लेना है और इसे इसी तरीके से हाथों से छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे, थोड़ा सा दबा दबा के बनाना है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, हमको कचौड़ी में बीच में डालने में आसानी होगी और सब तरफ कचौड़ी में हमें स्टफिंग मिलेगा। ये देखिए हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, अब हम चलते हैं कचौड़ी के लिए लोई बनाने। लोई हमें स्टफिंग बॉल से, जो हमने स्टफिंग बॉल बनाया था उसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। हम लोई काटेंगे, फिर इसे ऐसे फैला देंगे। अब हम इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग बॉल्स, इसे अच्छे से फैला लेंगे, इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। अब हम इस पे स्टफिंग बॉल्स रखेंगे और सभी तरफ से इसे मोड़ते जाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से करना है, फिर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम निकाल देंगे, इसे फिर हम रख के फैला देंगे फ्रेंड्स। फिर हमें हाथों से थोड़ा थोड़ा इसे फैलाना है, हमें बेलने की जरूरत नहीं है इसे। इसी तरीके से हम सारे लोई को ऐसे ही बना लेंगे स्टफिंग भर भर के। ये देखिए हमने सारे लोई बना लिए स्टफिंग डाल के, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, कम ही करना है। अब हम लेंगे एक लोई और इसे हाथों से ऐसे फैलाएंगे, बारी बारी से सभी लोइयों को ऐसे फैलाएंगे हम फ्रेंड्स। इसे बेलना बिल्कुल नहीं है, हाथों से हमारी कचौड़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसे दबाते हुए बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कचौड़ी बनाना है। अब हम इसे घी में डालेंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा घी गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसे ही
बाकी सारे को बना लेंगे, जितना हमें डालना होगा उतना ही बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे हम घी में। हमें गैस को हाई बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी जो कचौड़ी है वो बाहर से जल्दी सिक जाएगी और अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। लो फ्लेम पे फ्राई करने पे हमारी जो कचौड़ी एकदम खस्ता बनेगी, तो इसे लो फ्लेम पे ही करना है। बाद में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाना चाहिए तो लो से बस थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कचौड़ी हमारी फ्राई हो रही है, इसे तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर बाद इसे पलटना है जब लगे कि एक साइड का थोड़ा सा सिक गया है। और जिधर जॉइंट होता है ना, मतलब जिधर से हम एक्स्ट्रा लोई को निकाले होते हैं उसी साइड से डालना है, वो हमारा साइड नीचे होना चाहिए, तो इससे हमारी कचौड़ी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेगी। बस इसी बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बाकी बहुत ही ईजिली बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारी कचौड़ी फ्राई हो रही है, थोड़ा सा इसे और फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे मैदे में बना सकते हैं, बट आटे में बनाना हेल्दी है फ्रेंड्स। देखिए हमारी कचौड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे किसी जाली पे, इससे हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएंगे। कचौड़ी को निकालने के बाद हम गैस को एकदम लो कर लेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बाकी की कचौड़ी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे हाथों से बना बना के। जब तक बाकी कचौड़ियाँ बन रही है तब तक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए हमारी खस्ता वाली हरी मटर की कचौड़ी बनके रेडी है। आप इसे एक बार बनाइए फ्रेंड्स और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि ये इतनी लाजवाब बनी है। लीजिए मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए इसका स्टफिंग अंदर तक पूरे में फैला हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बनी हमारी कचौड़ी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।